बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया लॉन्च होने में अब बस कुछ मिनटों का इंतजार है, तब क्या BGM इंडिया के बारे में आपको ये सारी बातें पता है? हेलो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका राष्ट्र को समर्पित OTT इंडिया में। मैं हूं सुरभि। अब जब बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया का बीटा टेस्ट वर्जन गुरुवार यानी 17 मई को लॉन्च किया गया है, तो अब PUBG मोबाइल इंडिया के फैंस की उंगलियां तरस रही है वापस से PUBG यानी बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया खेलने के लिए। मात्र कुछ मिनटों की देर है ये गेम लॉन्च होने में। खबरों के हिसाब से ये गेम 12 बजे लॉन्च हो जाएगी, जिसके लिए यूजर्स अभी से अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन करके बैठे हैं। आज BGM इंडिया खेलते हुए कई सारी तस्वीरों की बाढ़ आपके सोशल मीडिया में आ सकती है, जिसकी चेतावनी हम अभी से आपको दे देते हैं। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब बैटल रॉयल गेम के खिलाड़ी जानना चाहते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर FAQ सेक्शन को फैंस के सवालों का जवाब देने के लिए अपडेट किया गया था, लेकिन अब डेवलपर्स ने उनमें से ज्यादातर सपोर्ट सेक्शन से हटा दिया है। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी BGM इंडिया ने आचरण के नियमों यानी रूल्स ऑफ कंडक्ट को अपलोड किया था, लेकिन BGMI के फैंस के द्वारा गेम की ऑफिशियल वेबसाइट पर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया रूल्स ऑफ कंडक्ट इस टाइटल के साथ एक पोस्ट लिखने की रिपोर्ट के बाद तुरंत ही इसे हटा दिया। हालांकि इस रूल ऑफ कंडक्ट के एग्जैक्ट कंटेंट के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि इसे जल्द ही बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की वेबसाइट पर फिर से जारी किया जाएगा। एक ट्विटर यूजर ने दावा किया है कि पेज के एंड में दिए गए बयान में कहा गया था कि ये जो वर्जन है वो 17 जून 2021 से प्रभावी होगा, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। इसी बीच क्राफ्टन ने बीटा टेस्टर के लिए गुरुवार यानी 17 जून को बैटल रॉयल गेम बैटल ग्राउंड इंडिया मोबाइल का रीब्रांडेड यानी इंडियन वर्जन लॉन्च किया, जिसको खेलने के लिए कई सारे गेमर्स काफी एक्साइटेड थे। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया बीटा टेस्टर के लिए गूगल प्ले स्टोर पर प्री रजिस्ट्रेशन के लिए ये गेम उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर में दिए गए डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो प्लेयर्स है वो बीटा परीक्षण से ऑप्ट आउट करने के लिए और पब्लिक वर्जन अवेलेबल होने के बाद ये गेम डाउनलोड करने के लिए सक्षम होंगे। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया 600 MB का गेम होगा। हालांकि इस गेम को और स्मूथली खेलने के लिए यूजर्स को ज्यादा स्पेस चाहिए होगी। ये गेम सिर्फ एंड्रॉइड 5.1 या उससे हायर वर्जन में ही खेली जा सकती है। ये गेम खेलने के लिए आपके फोन में रैम कम से कम 2 GB की होनी चाहिए, जो ज्यादातर फोनों में होती है। एंड्रॉइड गो सॉफ्टवेयर वाले स्मार्टफोन रैम की कमी के कारण इस गेम को नहीं खेल पाएंगे। साथ ही में स्मूथ गेमिंग के लिए आपको अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होगी। पबजी मोबाइल में फेसबुक, गूगल प्ले या गेस्ट अकाउंट सहित कई तरीके से लॉगिन हो सकते हैं। पबजी मोबाइल इन्फ्लुएंसर गॉड निक्सॉन ने यूट्यूब पर उल्लेख किया था कि भारत में पबजी मोबाइल प्लेयर्स अपने डेटा को बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में माइग्रेट करने के लिए सक्षम होंगे। हालांकि क्राफ्टन ने इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल तौर पर पुष्टि नहीं की है। आपको याद ही होगा कि भारत सरकार द्वारा पबजी मोबाइल इंडिया को सितंबर 2020 में सूचना प्रौद्योगिकी नियम यानी IT एक्ट की धारा 69A के तहत प्राइवेसी के कंसर्न के कारण बैन कर दिया गया था। तब से पबजी प्लेयर्स भगवान से जैसे मन्नत ही मांग रहे थे कि पबजी इंडिया को वापस से इंडिया में शुरू करा दो। लगता है आज उनकी सुन भी ली गई है। आज पबजी का इंडियन वर्जन यानी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया रेडी है लॉन्च के लिए। तो हमारी तरफ से हम चेतावनी देते हैं कि इस गेम को ज्यादा खेलने से मम्मी से चप्पल का प्रसाद मिलने की संभावना है, तो थोड़ा संभल कर खेलिएगा। तो आपको बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के लिए ऑल द बेस्ट, और आगे भी देश और दुनिया की सारी खबरें पाने के लिए आप देखते रहिए OTT इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।